Hi everyone, I'm Hirar Shad and I welcome you all in this new episode of Getting Peshawar Started. Today we have somebody very special. We have Mohsin with us and he will be telling us about his startup, Aprus Technologies. So Mohsin, tell me about your entrepreneurial journey. How did you actually come up with the startup? How did you find the idea to start your own venture? बेसिकली मेरे वालिद साहब जो थे वो LRH में टेक्नीशियन थे, तो वो मेडिकल डिवाइसेस की मेंटेनेंस का काम करते थे. तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, क्योंकि उसमें उनको बहुत कमी महसूस होती थी. इलेक्ट्रिकल काम तो कर लेते थे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साइड पे नहीं कर सकते. फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला. जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था तो उन दिनों में अबू ने एक मशीन लेके आए और मुझे दिखाई कि आप इसको देख लें कि आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत ज़्यादा है. तो जब मैंने उस मशीन को देखा तो अल्लाह के फजल से मैंने वालिद साहब को कहा कि इसको तो रिपेयर कर ही सकते हैं लेकिन अगर इस पर हम अपनी एफ़र्ट्स करें तो इंशाल्लाह इसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं. तो तब से हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा और काम स्टार्ट किया. तो उसके बाद 1.5-2 साल उसको पहले डिवाइस को कम्प्लीट होने में लगे, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली. अच्छा, सिंस हम थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योर डिवाइस, सो व्हाई डोंट यू टेल द ऑडियंस कि आपकी डिवाइस असल में है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट डज इट एग्जैक्टली डू, हाउ इज़ इट हेल्पिंग पीपल इन पाकिस्तान? बेसिकली हमारी जो डिवाइस है ये जस्ट सर्जरीज में यूज़ होती है, लेकिन हर किस्म की सर्जरी में इसका काम होता है, क्योंकि जो भी सर्जरी हो उसमें लाजमी टिशू को काटना होता है. टिशूज़ को काटना होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है. तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, टिश्यूज़ को काटने के लिए, ट्यूमर्स को काटने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है. दूसरा ये कि हमारे पास जो और डिवाइसेस हैं वो अगर बायर से इंपोर्ट भी करते हैं तो उनमें मसला ये कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो कि हमारे लोकल हॉस्पिटल्स वाले अफोर्ड नहीं कर सकते. क्या प्राइस कंपैरिजन है लोकल और जो डिवाइसेस बाहर से आते हैं? नई है जो अमेरिकन है या यूरोप वाली कंट्रीज़ वाली हैं तो वो $8,000 से ऊपर हैं. राइट. और जो हम डिवाइस दे रहे हैं वो 60,000 की दे रहे हैं. अच्छा, ये आपकी सेलिंग प्राइस है? जी, हमारी सेलिंग प्राइस है. राइट. अभी इनिशियली, अब आहिस्ता आहिस्ता जितना अपग्रेड होता जा रहा है उतनी प्राइस भी उसी हिसाब से फिर वेरिएशन आएगी. सो हाउ आई अंडरस्टैंड दिस कि सर्जरीज जब होती हैं तो स्कैल्पल से टिश्यूज को कट करते हैं, आपकी डिवाइस क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, किस तरह से, इज देयर लाइक अ नाइफ अटैच्ड, हाउ डज इट वर्क? बेसिकली इट्स हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो कि जिस भी टिश्यू से गुजरेगी तो उसको काटेगी. तो ये हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है कोई भी मेटल या कंडक्टर से ट्रांसमिट होकर टिश्यू में जाती है तो टिश्यूज़ में कटिंग इफेक्ट जनरेट करती है. फिर उसके अपने वेव फॉर्म्स होते हैं. अगर आपने कटिंग इफेक्ट डालना है तो जस्ट कटिंग करती है. अगर आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो उसके लिए बीच में पल्सेस देनी होती है. पल्सेस के थ्रू ये होता है कि डायरेक्ट कट नहीं लगता बल्कि हल्का हल्का उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. जैसे ब्लड क्लाट हो जाता है इसी तरह से क्लाटिंग हो जाती है, उसके थ्रू ब्लड स्टॉप हो. दैट्स परफेक्ट. अच्छा, तो मोहसिन आप कब से काम कर रहे हैं इस डिवाइस के ऊपर? मैं जी 2012 से इस डिवाइस पे काम कर रहा हूं. और जब 2012 में आपने ये स्टार्ट किया तब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? उस टाइम BS इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन प्रोग्रेस थी, आखिरी सेमेस्टर था ऑलमोस्ट. अच्छा, तो इस डिवाइस पे काम शुरू किया तो 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोडक्ट मार्केट में हमने दिया. उसके ऊपर कुछ फीडबैक्स आए जो कि हमने उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की. उससे एक अगला मॉडल आया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स आते गए तो हमने और उसको अपग्रेड किया. सो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस इन 2012 एंड यू प्रोड्यूस्ड योर फर्स्ट इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट इन 2014. नाउ 4 ईयर्स डाउन द लेन, क्या चैलेंजेस आए आपको, बड़े चैलेंजेस जो कि आपने जिनसे सीखा हो, जो कि आपने ओवरकम किए हो, व्हाट वर दोस चैलेंजेस? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे. सबसे पहले ये कि अब आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और आपको उन दिनों में डिग्री भी कंप्लीट हो, जॉब की भी ऑफर्स आती हैं, लेकिन जहन में था कि प्रोडक्ट पे काम करने, हमने अपना ही एक काम स्टार्ट करने अल्लाह के फजल से. दूसरा ये कि अब नई चीज़ आप जब भी बनाएंगे तो फील्ड से आपको उससे रिलेटेड तो हेल्प मिलेगी लेकिन टू द पॉइंट हेल्प नहीं मिल सकती, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी जो एफर्ट्स हैं या जो उन्होंने काम किया है, टेक्नोलॉजी है, वो लीक ना हो. तो जो भी करना होगा अपने आप ही करना होगा. तो उस वजह से काफ़ी मसले, एक सोल्यूशन निकाला नहीं हुआ, दूसरा निकाला नहीं हुआ,
तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया. एट द एंड प्रोडक्ट बनने में वो पीरियड जो था वो 2 साल, वो बहुत मुश्किल थे. रात को हम काम करते, ठीक हो गई, सुबह चेक करते, फिर ख़राब, फिर ठीक हो गई, फिर ख़राब. तो उस वजह से काफ़ी मसले मसाइल उन दिनों में देखने पड़े. फिर अल्लाह के फजल से जब एक प्रोडक्ट बना, फिर जब मार्केट में गया तो कुछ अरसे बाद ख़राब होकर वापस आता, फिर डिसहर्ट होते कि क्यों ख़राब हो गई. फिर उसको ओवरकम करने के लिए फिर रिसर्च वर्क दोबारा से करना पड़ा, फिर एक और मॉडल बनाई. फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से वो प्रॉब्लम्स कम होते गए और डिवाइस अच्छी होती गई. तो ये चैलेंजेस थे. अभी चैलेंज ये है कि आप अभी ये 4 सालों में प्रोडक्ट बनाना इतना बड़ा इशू नहीं होता. फिर उसको लोगों को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि आप ये प्रोडक्ट दूसरों को कन्वेंस करना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, आप इसको लें, इसको इस्तेमाल करें. तो इतनी जल्दी कोई एतमाद नहीं करता, तो वो एतमाद बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो ये एक इशू था. एक नया नाम हो, एक नई प्रोडक्ट हो, तो कोई. सो मोहसिन, आपने जो है 6 साल एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर की है, क्योंकि आपने 6 साल जॉब नहीं की, इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, और आपने अपने प्रोडक्ट को दिए. सो वी सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो ये करते हैं कि जॉब्स भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और स्टार्टअप भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं. पर्सनली आपको क्या लगता है कि इज़ अ स्टार्टअप अ फुल टाइम जॉब? फुल टाइम जॉब तो है ही, फुल टाइम के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अगर सोच डाइवर्ट होगी, जॉब में भी लगेगी, स्टार्टअप में भी, तो वो स्टार्टअप मेरे ख्याल से शायद उतना बेहतर रिजल्ट ना दे पाए जितना फुल टाइम देगा. क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप है वो है ही इसी तरह के लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, और बाकी ग्लोबली मार्केट को स्टडी करना है कि वो क्या चीज़ बना रहे हैं. हम भी अपना स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उनके बराबर या उनसे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसके लिए रिसर्च वर्क और टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर रिसर्च करें. तो मोहसिन, आप जब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहे थे, तो आई एम श्योर दैट जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, यू कम इनटू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, इट्स वेरी हार्ड टू फंड योरसेल्फ. आई हैव डन अ स्टार्टअप मायसेल्फ, और मुझे पता है कि वो कितना मुश्किल होता है. वो टाइम आपने किस तरह से गुजारा? बेसिकली अल्लाह की मेहरबानी थी कि इंजीनियरिंग के बाद ही काफ़ी सारी चीज़ों की मेंटेनेंस, यही मेडिकल डिवाइसेस की मेंटेनेंस, काफ़ी चीज़ों की सीख ली थी वालिद साहब से. तो वालिद साहब का ये काम था कि वो हॉस्पिटल्स में मेडिकल डिवाइसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो हम उनके साथ जाते, तो वो एक अल्टरनेट इनकम का सोर्स बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम वहाँ से इनकम भी आ रही है और सीख भी रहे हैं साथ साथ. क्योंकि इस फेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरर्स हैं जो टॉप क्लास, उन सब की डिवाइसेस अंदर से देख लें कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनी है. दूसरा, लोकल मैन्युफैक्चरर की एक एक चीज़ का पता है कि उन्होंने कैसे की है, इसलिए कि वो रिपेयर के लिए आती हैं या हम कहीं मेंटेनेंस के लिए जाते हैं. तो जब आप कोई चीज़ रिपेयर करते हैं तो पहले आपको उनका डिज़ाइन समझना होता है कि कैसे बनी हुई है, फिर आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं. तो उस ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उससे सारी मशीनों के खसूसियात भी, ड्राबैक्स भी सारी पता चल गई थी. तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन में जिस में जो जो खामी थी तो वो हमने इसमें ओवरकम की. कभी फेथ नहीं लूज़ किया आपने कि मे बी दिस माइट नॉट वर्क, हो सकता है कि चाइनीज़ कोई प्रोडक्ट बना दे, इट्स बेटर, मे बी समबडी एल्स टेक ओवर, कभी इस तरह से आपने फेथ नहीं लूज़ किया? इस वजह से तो नहीं लूज़ किया, लेकिन इस वजह से कम हो जाता था कि हम शुरू में जब बना रहे थे तो रात को सब कुछ सेट होता, सुबह फिर उठाते, जब काम स्टार्ट करते फिर ज़ीरो. तो उस वक्त थोड़ा सा डिसहर्ट हो जाते, फिर वालिद साहब कहते नहीं नहीं करना है, हो जाएगा इंशाल्लाह. इस बात पे अम्मी अबू की अक्सर तलख कलामी भी हो जाती कि बच्चे को पागल कर रहे हो, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो. लेकिन अबू ने कहे नहीं, इंशाल्लाह होगा. राइट, तो ड्राइविंग फोर्स असल में आपके अबू थे, हु इज मोटिवेटिंग यू ऑल द टाइम. असल में एक छोटी सी स्टोरी कर लें, जब बहुत 1995 की बात है, उन दिनों में ये मशीनें के साथ एक टिप लगती थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ना चाइना में होती थी ना कहीं पे भी नहीं होती थी. वो बाहर से 10-12 हज़ार की एक लीड आती थी. वो मेरे वालिद साहब खुद ही घर में बनाते थे और 500-600 की देते थे. वो सिर्फ लीड जो इस डिवाइस के आगे लगती थी, आम वायर होती थी, उसको आम पेन नहीं होता जिस तरह पेन है, तो पेन को बाज़ार से ले के उसको काट के उसमें तार डाल के और उसमें के आगे टिप खरादी से बना के लगा के वो सोल्यूशन लो कॉस्ट देते थे. तो मैं भी घर में जब स्कूल से आता था तो अब्बू के साथ बनाने में लग जाता था. अच्छा, तो वहाँ से अब्बू के जहन में था कि अब जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती या मुश्किल है या जिनमें मसले हैं तो हमें खुद हल करने चाहिए. सो मोहसिन, मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी कंपनी के लिए क्या गोल्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉरवर्ड? इसके अब आपकी डिवाइस जो है एक परफेक्शन पे रीच कर चुकी है,
आगे क्या स्टेप्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं? अभी इंशाल्लाह इसी डिवाइस में एक नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो उस पर काम करना है, जो इस पर आजकल इंटरनेशनली रिसर्च हो रही है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी, या किसी कुछ कंपनीज ने डायनामिक रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी के नाम से दी है। तो उन्होंने अभी उनकी रिसर्च कम्प्लीट उस तरह से नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं जो उन्होंने अपनाई हैं, किसी ने इंस्टेंट रिस्पॉन्स, किसी ने डायनामिक रिस्पॉन्स, लेकिन असल जो काम है वो रिसर्चर्स का है। तो रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च की है जिनमें बताया है कि ये रिसर्च इनकम्प्लीट है, उन्होंने ख़ुद कुछ रिजल्ट्स उनसे बेहतर करके दिए हैं। तो मेरा भी टारगेट यही है, इंशाल्लाह मेरी PhD भी इसी डिवाइस पे इन प्रोग्रेस है कि इस रिजल्ट्स को कैसे उनसे बेहतर बनाया जाए। जब उनसे बेहतर बनेंगे तो मुझे दो फ़ायदे होंगे अल्लाह के फजल से, एक तो मेरी PhD कम्प्लीट हो जाएगी, दूसरी मेरे डिवाइस उनसे बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। What I like about your startup is that everything is so much in line. PhD startup ko support kar raha hai, Abbu ke skills startup ko support kar rahe hain. So that's amazing. Mohsin, aap ne kaha hai ki already aapke devices jo hain wo hospitals mein use ho rahi hain. Can you give me a figure or a number ki kitni devices aapne deploy ki? Abhi tak ji 80 devices. Ji bilkul. And how many surgeries do you think that they do per device jo hai? मिनिमम नंबर ऑफ सर्जरीज 2 से 3 सर्जरीज हर OT में होती हैं। तो साल के 365 दिन हैं तो ऑलमोस्ट 600-700 सर्जरीज पर डिवाइस एक साल के हो गए। पर डिवाइस 600-700 सर्जरीज हर डिवाइस एक साल में। तो कुछ डिवाइसेस के 4 साल हो गए, कुछ के 3, कुछ के 2, कुछ के भी 1। दैट्स एन अमेजिंग नंबर। वेयर डू यू सी योर स्टार्टअप In let's say 10 years, आपका plan क्या है? Do you want to go ahead with these devices या portfolio में कुछ additions भी करेंगे? आप what's the limit for you? कहाँ तक जाना चाहते हैं? हमारा इस device को international market में ले जाने का इरादा है, जिसके लिए हमें NIC ने काफ़ी अच्छे mentors से मिलाया है, इम्तियाज़ अली राजगर सर, तो उनसे कुछ गाइडेंस हेल्प ले रहे हैं जो कि अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पाकिस्तान की मार्केट तो होगी होगी, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करेंगे, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे। तीसरा सवाल ये कि हम इस एक डिवाइस पे रिलाई नहीं कर सकते, हम मतलब मेरी नेचर ऐसी है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार बनाने में तंग होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी और चीज़ पर काम करूँ, वो बन जाए तो फिर कुछ और। तो इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर मेरा इरादा है, इंशाल्लाह कुछ काम किया भी हुआ है और उसमें सक्सेस भी मिली हुई है, तो इंशाल्लाह उसको कमर्शलाइज करना रहता है, एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना रहता है, इंशाल्लाह वो भी सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। परफेक्ट। मोहसिन, व्हाट आर योर प्रो ट्रिप टिप्स फॉर द यंग स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग इन, फॉर द फाउंडर्स, क्या कहना चाहते हैं आप उनके लिए? यही होगा कि बस डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने मतलब डाइवर्ट होना से काम नहीं चलता, जैसे मतलब कुछ लोग जॉब मजबूरी हो वो तो अलग बात है, लेकिन जितनी हद तक हो कि अपने स्टार्टअप पे ही काम करें तो सक्सेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप जॉब या कहीं और, अक्सर कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत सारे वेंचर्स में हाथ डाले होते हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से कम सक्सेस रेट हो, बनिस्बत ये कि एक ही स्टार्टअप पे बंदा ज़्यादा फोकस कर ले, वो सक्सेसफुल हो जाए, फिर उसके बाद एक और वेंचर पर काम करे तो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल। Thank you so much, Mohsin, for being with us and for sharing your wonderful experience with us. Thank you. Thank you.